बदहाली का ये मंजर है बिहार के किशनगंज लोकसभा क्षेत्र स्थित अमोर विधानसभा के रहरिया से केमा सड़क का। अपने तिपहिया वाहन से मोहम्मद मासूम हर रोज रोजमर्रा की जरूरतों का सामान खरीदने के लिए इस सड़क से झोवारी हाट आते हैं। इस रास्ते से गुजरना उनके लिए किसी चुनौती से कम नहीं है। उनको हर रोज नजदीकी बाजार पहुंचने के लिए लंबी जद्दोजहद करनी पड़ती है। मासूम अकेले नहीं हैं जो इस परेशानी का सामना करती हैं। इलाके में रहने वाले करीब 30,000 की आबादी इस सड़क के ना बनने से परेशानी झेलती है। सड़क की बदहाली को लेकर मोहम्मद मासूम नेताओं के नामों की लंबी सूची गिनाते हुए बताते हैं कि किसी भी जनप्रतिनिधि ने इस सड़क पर ध्यान नहीं दिया और सिर्फ आश्वासन देकर लोगों को ठगा है। तस्लीम एमपी इस वक्त था, उसी वक्त से रोड का धरना चल रहा है, लेकिन अब कोई नहीं सुन रहा। तस्लीम एमपी जीत के चला गया, बस सो गया जाके। उसके बाद जो है दो टर्न बनाया तस्लीमुद्दीन, रोड नहीं बनाया। उसके बाद हाजी में भराया, वो भी रोड नहीं बनाया। उसके बाद जो है उसका बेटा शहबाज जफर बना, वो भी रोड नहीं बनाया। उसके बाद जो है जहील मस्तान आया, जहील मस्तान 25-30 साल रहा, 30 साल रहा, लेकिन वो भी रोड उलट नहीं देखा ये रोड को। इधर हम लोग इतना परेशानी से चलते फिरते हैं, उसके बाद शहबाज जफर को बनाया रोड देखे, लेकिन शहबाज जफर भी रोड नहीं बनाया। उसके बाद जो है इस बार बनाया मस्तान, इसको अख्तरुल ईमान को बनाए, कब से ये रोड बनाएगा अख्तरुल ईमान ये रोड को बनाया, लेकिन ये भी जाके सो गया जाके। उसके बाद जावेद को वोट दिए एमपी में, जावेद भी आज तक उलट कर नहीं देखा पंचायत को कभी, जबकि वो यहाँ हम लोग टोटल वोट जावेद को दिए हैं, लेकिन आज तक रोड नहीं बनाया। तो हम लोग क्या करेंगे, कैसे चलेंगे? सरकार बहरा, जो जिसको बनाते हैं वो बहरा, सब कोई बहरा, कैसे काम होगा? इसी वजह से हम लोग धरना प्रदर्शन में आए हैं। आपको बता दें कि अमोर की चार पंचायत झोवारी, अघांग, तियरपारा और पोठिया गंगेली के लोग हर दिन इस सड़क से गुजरते हुए अपनी किस्मत को कोसते हैं। आज़ादी के 7 दशक गुजरने के बाद भी ये सड़क नहीं बनी है। जनप्रतिनिधियों से शिकायत करते करते लोग थक चुके हैं, फिर भी इन पंचायतों में रहने वाले लोगों की किस्मत नहीं बदली। तंग आकर लोगों ने शनिवार को प्रदर्शन किया और मार्च भी निकाला। लोगों ने जनप्रतिनिधियों और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। लोकसभा चुनाव में इन चार पंचायतों के लोगों ने वोटिंग का बहिष्कार करने का फैसला किया है। विरोध प्रदर्शन में शामिल कोहबरा गांव के सद्दाम बताते हैं कि इस सड़क के बनने के इंतजार में आज़ादी से लेकर अब तक उनकी 3 पीढ़ियां खत्म हो गईं, लेकिन सड़क अब तक नहीं बनी है। मेरा जो जन्म यही अधांग पंचायत में हुआ, मेरा घर कोहबरा हुआ, और यहाँ हम लोग कई पीढ़ी से, 3 पीढ़ी हमारा ख़त्म हो चुका है और 4th पीढ़ी में हम लोग हैं। जो अधांग पंचायत से जो अमर ब्लॉक का रास्ता गड़िया होते हुए भी रास्ता नहीं है, अगर यहाँ पे अगर मौता भी होता है, अगर बीमारी भी होता है, तो हम लोग चार कंधे में चरपाई में लेके फिर हम लोग को कस्बा या पूर्णिया जलालगढ़ जाना होता है। अगर शादी ब्याह भी हुआ, हम लोग का लड़की अगर शादी हुआ, वो रिश्ता वहीं से घूम जाता है रोड के वजह से, कि हमारा निकास न है, रास्ता न है, हम कैसे बारात आएँ। लेकिन बारात में भी लड़की लोग का भी रिश्ता रह जाता है, लड़का दूसरे जगह शादी कर लेता है यहाँ। और हमारा मनवारे से लेके अब्बास चौक तक इतना जर्जर हाल है कि जो हम लोग भी अगर ड्राइवरी पीरियड में भी हम लोग ले जाते हैं तो चार कंधे में उसको हम लोग अमोर या झवारी या जलालगढ़, जो हॉस्पिटल तक की जाने के रास्ता नहीं है, सुविधा नहीं है, कि अगर रास्ते में कई ड्राइवरी का मौत हो गया है, अगर हम रात को अगर 12 बजे भी निकले, रात को अगर बारिश में, तो हम लोग नहीं जा पाते, हमारा जो है कि बीमारी रास्ते में ही मौत हो जाता। कई हम लोग देखे हैं, हमारा बाप दादा भी चले गए, हम लोग का भी आए, हम लोग का भी पीढ़ी में अभी तक सड़क नहीं बना। कि जब से मैं पैदा हुआ हूँ, ये केमा से जो रहरिया का सड़क है, बहुत बुरा दुर्गति है इसमें। और जितने भी MLA बने, 7 बार मस्तान जी MLA रहे और 2 बार मौलाना MP रहे कांग्रेस के, आज प्रेजेंट में जावेद साहब भी MP हैं, अख्तरुल ईमान साहब भी हैं, मगर इस इलाके का इतना बुरा हाल है। बारिश के मौसम में जो 4-5 महीना गुजरता है, लोग बीमारी से घर में ही मर जाते हैं, यहाँ तक कि हमला औरतें जो होती है वो घर में ही बच्चा हो जाता है, कितनी औरतें जान गंवा देती है। बच्चे झवारी हाई स्कूल नहीं जा पाते हैं, नदी में पानी में तैर कर जाता है, बहुत तरह का हादसा हो जाता है। कोई प्रतिनिधि, कोई नेता, कोई मेंबर, कोई MP, कोई MLA इस रास्ते पर ध्यान ही नहीं देता है, बहुत ही परेशानी है।
हमारी यही गुजारिश है, ये बात दिल्ली तक जाए, नरेंद्र मोदी तक जाए, नीतीश कुमार तक जाए कि हमारे सड़क को हमारे इलाके का डेवलपमेंट करे। सैलाब के वक्त क्या दिक्कत होती है? सैलाब के वक्त में तो हम लोगों का रास्ता ही बंद हो जाता है, बाजार भी नहीं जा पाते हैं, रुखी सूखी जो मिलता है वही खाते हैं, हम लोगों को बहुत परेशानी होती है। तो कभी विधायक सांसद यहाँ पे आए कभी देखने? वो लोग आते हैं, बड़ी बड़ी बोलियाँ बोल के चले जाते हैं, एक ही उल्लू काफ़ी है बर्बाद गुलिस्तान के लिए, हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्तान क्या होगा। हमारा रोड बहुत काफ़ी पुराना है, यहाँ पर रोड बहुत दिन से नहीं बना है और यहाँ के प्रतिनिधि जो किसी काम के नहीं है, हम इसीलिए हम लोग आज जनता लोग सोचे हैं कि धरना प्रदर्शन में बैठे और हमारा रोड का विकास हो। तो विधायक और सांसद से कभी बात हुई रोड को लेकर? या जी, विधायक और जो सांसद है यहाँ के सिर्फ बोलते हैं और कुछ करते नहीं, किसी काम के लायक नहीं है लोग। जी, और सबसे पहले मैं एमपी से जो जावेद अख्तर है उनको कहना चाहूँ, कभी वो आए नहीं इधर, अगर अभी इलेक्शन का टाइम है तो वो आएँ और इस रोड का हाल देखें कि कितना ख़राब है, स्थिति है, और मैं उनसे कहना चाहूँगा कि रोड का विकास किया जाए। नहीं आए विधायक जी। किन किन गांव के लोगों को, किन किन पंचायतों के लोगों को दिक्कत होती है या कैसी परेशानी होती है? यहाँ पे तो काफ़ी लाखों लोग हैं यहाँ पे, जैसे अधांग पंचायत, तेरपारा पंचायत, जहवारी पंचायत, तो ये यहाँ की जो मतलब जब बारिश होती है तो निकलना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, बच्चों को स्कूल जाना मुश्किल हो जाता है, और इस स्कूल जाने के संबंध में बच्चा स्कूल नहीं जा पाते और एजुकेशन नहीं हो पाता है और बच्चों के अंदर डेवलप नहीं हो रहा है, तो इस हिसाब से हम लोग को चाहिए कि रोड में विकास किया जाए जल्दी से जल्दी। यूं तो इस सड़क की लंबाई तकरीबन 1 किलोमीटर है, लेकिन इस सड़क पर मोटरसाइकिल से गुजरने में लोगों को आधा घंटा लग जाता है, वो भी तब जब बारिश का मौसम ना हो। पहली बारिश के बाद इस सड़क से गुजरना किसी खतरे को दावत देने जैसा है। स्थानीय महिला निर्या देवी बताती हैं कि सड़क न रहने की वजह से काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और बारिश होने पर बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं। उन्होंने बताया कि सैलाब के वक्त वे लोग आंगन और घरों में कैद हो जाते हैं और अगर ऐसे में किसी गर्भवती महिला की डिलीवरी की नौबत आ गई तो अमूर प्रखंड मुख्यालय स्थित स्वास्थ्य केंद्र जाने के लिए नाव ही एकमात्र सहारा है। हम लोगों के लिए रास्ता नहीं है, जब सैलाब आता है तो बाल बच्चों को दिक्कत होती है कि कहाँ रहे, दरवाजे पर गले तक पानी आ जाता है, पानी आवे छे, ने रोड ने बना दे, अगर रोड भी नहीं रहेगा तो हम लोग कहाँ रहेंगे, अगर ये रोड बना तो वोट देंगे, नहीं तो वोट नहीं देंगे। वोट देवे रोड नहीं बने थे तो वोट नहीं देवे। बच्चा सब वहाँ हाई स्कूल के रंग पढ़ल जाए रोड नहीं छे तो कहाँ जाए छे, कोई बच्चा सब बच्चा बंद छे, कोई बच्चा नहीं जाता है स्कूल पढ़ने के लिए, सब बंद है। सैलाब आता है तो बच्चों का स्कूल छूट जाता है, बस्ती के स्कूल में भी बच्चा सब पढ़ने नहीं आता है। हाँ, बहुत दिक्कत, बहुत दिक्कत होती है रोड नहीं रहने से। पानी हेले लागे छी, हम लोगों को पानी में तैर कर इस पार से उस पार जाना पड़ता है। अग्नि घरे भरी रहे थी हमरा से, वही तो बोल रहे हैं कि सिर्फ आंगन और घर में ही बंद रहते हैं, बच्चों को भी घर में ही रखते हैं, अगर भूल चूक से नहाने चला गया तो नजर पड़ते ही सबको घर ले आते हैं, घर ले ले आवे छे, सिर्फ आंगन घर में ही रहना पड़ता है। लावा पर हाँ नावों पर गिरिया जी थी, तब गिरिया से तब टका पैसा देते नाव लागत तब जीती गिरिया, तब गिरिया से फिर हजार के टो में पूर्णिया का स्वाद। नाव से गेरिया गांव जाते हैं, नाव वाले को पैसे देने पड़ते हैं, फिर वहां से कस्बा या पूर्णिया जाते हैं, बहुत दिक्कत होती है, कई बार तो नाव भी पलट जाता है। लावो डूबी, हाँ लावो डूबी के लिए क्या दबा गए, लावो डूबी जी छी। हम लोगों को बहुत दिक्कत होती है, हर तरह से दिक्कत है, किसी भी तरफ निकास नहीं है, किसी भी तरफ बाहर नहीं निकल सकते हैं, अगर चाहें तो भी सैलाब में इधर से उधर नहीं जा सकते हैं, हर तरह से दिक्कत है हम लोगों को। हम लोगों को रोड दीजिए, हम लोगों को रोड बनाकर दीजिए, तभी हम लोग वोट देंगे, हम लोगों को रोड नहीं दीजिएगा तो हम लोग वोट भी नहीं देंगे। हम लोग मछली पकड़ने का काम करते हैं,
लेकिन हर वक्त पानी में तो नहीं रह सकते हैं। हम लोगों को बाहर जाने में दिक्कत होती है, मछली बेचने भी नहीं जा पाते हैं। सैलाब में अगर डूब ही जाएंगे तो मछली कहाँ से बेच पाएंगे? रोड होगा तभी तो हम लोग गाड़ी लेकर मछली बेचने दूसरी जगह जा पाएंगे। इस सड़क से होकर सैकड़ों छात्र हर रोज जोवारी प्लस टू स्कूल आते हैं। सबसे ज्यादा दिक्कत सैलाब के वक्त होती है। अगर सैलाब के वक्त कोई बीमार पड़ गया और उसको हॉस्पिटल में भर्ती कराने की जरूरत पड़ गई तो वह रास्ते में ही दम तोड़ देता है। स्थानीय युवा निहालुद्दीन और मोहम्मद तबरेज ने बताया कि जनप्रतिनिधि चुनाव के वक्त वादे तो खूब करते हैं, लेकिन जीत जाने के बाद दोबारा इलाके के लोगों का हाल तक नहीं पूछते। हम लोग आए रोड के विषय में। ये रोड जो है बहुत ही पुरानी रोड है और कई पंचायतों को जोड़ती है, जिससे खास करके बरसात के मौसम में बहुत ही दिक्कत होता है आने जाने में। प्रॉब्लम तब होती है जब कोई महिला प्रेग्नेंट होती है, उसको डिलीवरी के लिए जाना पड़ता है, और बारिश का मौसम हो तो उस वक्त बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। गाड़ी जाती नहीं, पैदल चलना मुश्किल हो जाता है। यहाँ पे जो पंचायत इधर है वहाँ के लोगों के लिए अमोर जाने का यही रास्ता है? बस यही एक रास्ता है, और दूसरा रास्ता है, लेकिन वो रास्ता भी वैसे ही है जैसे इधर है। अधांग पंचायत के लोगों के लिए चारों तरफ से रास्ता बंद है। और किन किन पंचायतों के लोग इससे प्रभावित हैं? पोठिया गंगेली, तियरपारा, अधांग पंचायत, ये तीन पंचायत मूल रूप से जो है प्रभावित हैं इस रोड से। यहाँ पे प्लस टू स्कूल है, तो इधर के बच्चे कैसे आते होंगे सैलाब में? सैलाब में बहुत दिक्कत हो जाती है आने में, पैदल आना पड़ता है, पैदल भी मुश्किल हो जाता है। नाव से जब सैलाब आती है तो नाव से आना पड़ता है। विधायक जी कभी इस मसले पर नहीं आए? हम मसले पर तो आते हैं, बात करते हैं, वादा करते हैं, वादा करके फिर भूल जाते हैं। हर कोई आते हैं, सांसद भी आते हैं, विधायक भी आते हैं, और यहाँ के जो उनके लोग हैं वो लोग भी वादा करते हैं, लेकिन काम होता नहीं, सिर्फ वादे पे ही रह जाते हैं। जी, ये रोड बहुत पुराना है, आज़ाद हुए आज से 76 साल हो गया लगभग, और आज़ादी तो हम लोगों को बहुत पहले ही मिल गई, लेकिन रोड से छुटकारा आज तक नहीं मिली। आपका घर इधर ही है? जी, मेरा घर अधांग पंचायत है और ये मेरा जन्म स्थल भी है, और ये रोड झवाड़ी पंचायत से अधांग पंचायत होते हुए तियरपाड़ा पंचायत को जोड़ने वाली मुख्य सड़क है। और सैलाब के दिनों में इस रोड में बहुत सारी कठिनाई होती है, जैसे बच्चे को अगर स्कूल जाना हो, अगर कोई बीमार पड़ जाए, उन्हें हॉस्पिटल पहुंचाना हो तो वो सब नहीं हो पाता। अगर कोई औरत प्रेग्नेंट है, अगर उन्हें हॉस्पिटल पहुंचाना हो तो नहीं पहुँचा पाते हैं, जिसके कारण उनकी मृत्यु हो जाती है। और इस समस्या से यहाँ के 30,000 लोग जूझ रहे हैं। इस रास्ते से होकर पश्चिम जानेब कुछ किलोमीटर चलने के बाद पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र का कस्बा विधानसभा शुरू हो जाता है, और उत्तर दिशा में जाने से अररिया लोकसभा का जोकीहाट विधानसभा शुरू हो जाता है। जोवारी पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि मोहम्मद शाकिर ने बताया कि बारिश के बाद हालात इतने खराब हो जाते हैं कि ऐसा लगता है कि आज़ादी के 75 साल के बाद भी यहाँ के लोग गुलामी की जिंदगी जी रहे हैं। वहीं अघांग पंचायत के पूर्व मुखिया कैसर ने बताया कि सड़क न रहने की वजह से 6 महीने के लिए आना जाना बिल्कुल बंद हो जाता है। आज ये प्रदर्शन जो है सरकार के और जनप्रतिनिधियों के अनदेखी की वजह से जो यहाँ के लोग बदहाल और परेशान हैं, उसी के अगेंस्ट में जो एहतजाज किया गया है। जो अधांग पंचायत को जोड़ने वाली रहरिया से केमा कमालपुर तक तो जो सड़क है, आज़ादी के 75-76 साल हो गए, लेकिन ऐसा लगता है कि अभी तक हम लोग गुलामी की ज़िंदगी जी रहे हैं, और लोग जो है बहुत बदहाली का शिकार हो रहे हैं और उसका सामना लगातार कर रहे हैं। मेरे ख्याल से अधांग पंचायत में कमोबेश 20 से 25,000 आबादी है, और ये जो सड़क है ये लाइफ लाइन है आपका पोठिया गंगेली, तियरपारा, एकम्बा, अधांग, ये मोटा मोटी 50 से 60,000 की आबादी इस रोड से प्रभावित हो रही है लगातार। बारिश के दिनों में ऐसा लगता है कि अगर यहाँ धान का खेती कर दिया जाए तो धान का फसल उपज जाएगा, ऐसा बदहाल है। अगर कोई बीमार पड़ जाए तो खटिया पर ले जाने लायक नहीं है। अगर खुदा न खास्ता कोई हादसा हो जाए बारिश के दिनों में, सैलाब के दिनों में, तो वो लोग तो जीते जी मर जाएगा। मतलब अदांग पंचायत यूँ समझ लीजिए कि एक काला पानी है। ये रोड आगे जोकी विधानसभा और कस्बा विधानसभा को जोड़ दिया? हाँ बिल्कुल, ये रोड आगे जोकी विधानसभा और कस्बा विधानसभा और जलालगढ़ प्रखंड को जोड़ती है। हम लोग धरना प्रदर्शन दे रहे हैं रोड के सिलसिले में। रोड हम लोगों का अब तक नहीं बना है आज़ादी से अब तक। अब हम लोग यही सब पब्लिक सोचे हैं कि जब तक रोड नहीं बनाएगा तब तक वोट नहीं गिराएंगे हम लोग।
की दिक्कत होती है? रोड नहीं है तो किस तरह की दिक्कत होती है? दिक्कत तो क्या, मतलब कच्ची सड़क में आप जानते हैं बारिश जो हो जाता है तो चलना मुश्किल हो जाता है और सैलाब का पानी चढ़ जाता है उस पर, हम लोग ब्लॉक हो जाते हैं, मतलब कि 6 महीना बंद हो जाते हैं उसमें। अमोर के विधायक अख्तरुल ईमान ने रहरिया केमा सड़क के संबंध में वीडियो जारी कर बताया कि इस सड़क को लेकर 2 साल पहले ही DPR भेजा गया था। क्योंकि सड़क के साथ साथ एक धार बहती है इसलिए 3 करोड़ से अधिक राशि का एस्टीमेट बनाया गया, जिसको लेकर कई चरणों में इंक्वायरी हुई और फाइनली 2 करोड़ 30 लाख की लागत से उस सड़क का निर्माण होना है। उन्होंने बताया कि जल्द ही रहरिया केमा सड़क का निर्माण कार्य शुरू होगा। कि आज से 2 साल पहले ही उस सड़क के DPR के लिए उन्होंने बनवा कर भेजा, क्योंकि नाले पर वो सड़क है, बांस के झाड़ियों के दरमियान में है, कीचड़ भी है उसमें बहुत ज़्यादा रहता है, तो नतीजा ये हुआ कि लगभग 3 करोड़ से ज़्यादा का एस्टीमेट बनाया गया। 1 किलोमीटर से कम दूरी है, 900 मीटर की है, उस पर कई मरहले में इंक्वायरी हुई, इंक्वायरी होने के बाद अभी 2 करोड़ 30 लाख पर उसका फाइनल हुआ है, जिसका कागज यहाँ पर हेडक्वार्टर में सबमिट हो गया है। मैं समझता हूँ कि अंतरिम उसका टेंडर होने वाला है।